झुंझुनू बावलियों के बगीचे से गांधी पार्क होते हुए मोदी रोड करुड़िया रोड होते हुए कथा स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीनाथ जी टीला के श्री महंत ओमनाथ जी महाराज थे। श्री महाराज के सानिध्य में धार्मिक कार्यक्रम में हुआ था। श्री विश्वकर्मा मंदिर झुंझुनू स्थित बगीचे से संगीतमय श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ ऐतिहासिक कलश यात्रा से हुआ। कथा के संयोजक भाजपा नेता महेश बसावतिया ने बताया कि कथा वाचन जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज तुलसीपीठ जानकी कुंड चित्रकूट धाम के परम शिष्य श्रीमद भागवत गीता मर्मज्ञ श्री राजा राम जी महाराज के मुखार विंद से होगा। इस सनातनी संस्कृति पर व धर्म के मूल्यों से ओतप्रोत आयोजन के आयोजक श्री विश्वकर्मा मंदिर कारोंटिया रोड है। कथा का समय दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक आज से 10 अप्रैल तक है। इस धार्मिक आयोजन के मुख्य आकर्षण रोजाना झांकियों का प्रदर्शन होगा। आज इस धार्मिक आयोजन के मुख्य यजमान दिनेश व उनकी धर्मपत्नी किरण देवी थी। वे पूजा में एडवोकेट अशोक पटोदा व ज्योति पटोदा थे। आयोजन में श्री विश्वकर्मा मंदिर समिति के प्रमुख अध्यक्ष प्रभु दयाल निवासकाला परमेश्वर महेश रघुनाथ जी पौदार व मातृशक्ति कांता देवी शर्मा भावना शर्मा अनिता व सैकड़ों महिलाओं ने 251 कलश यात्रा में सहयोग रहा की स्थिति गरिमामय उपस्थिति रही। हो रहा है दिनांक तो पंजाब पानी का नीचे दिनांक 4 अप्रैल 2023 मंगलवार से 10 अप्रैल 2023 सोमवार तक दोपहर दो बजे साय 5 बजे तक संगीत में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित है। कृपया पधार कर भगवान कथा श्रवण पर पुण्य लाभ है। मेरा नाम निकिता जांगीड। आज तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी के सानिध्य उनके शिष्य श्री राजा राम जी के द्वारा की जा रही श्रीमद् भागवत कथा में आने का अवसर मिला। ये भागवत कथा है, ये जो विश्वकर्मा समाज विश्वकर्मा मंदिर द्वारा आयोजित की जा रही है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज हमें यहाँ देखने को मिला है। सुंदर व्यवस्था और श्रीमद् भागवत गीता का स्मरण करने से श्रवण करने से आदमी के जीवन के समस्त पापों का नष्ट होता है। मैं विनम्र निवेदन करूंगा सभी सनातनियों से कि वे इस राम कथा में पधारें, इस श्रीमद् भागवत गीता कथा में पधारें और पुण्य लाभ अर्जित करें। धन्यवाद। जय श्री राम।